नॉलेज आईक्यू टीवी में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। दोस्तों जो दो दिन तक स्ट्राइक था, नो डिस्कशन विथ यूनियन, मीन स्ट्राइक में कोई भी ऐसे डिस्कशन नहीं हुआ जो रिटायरी से संबंध है। स्ट्राइक में ओनली और ओनली पॉलिटिकल इशू को हवा दिया गया है और पॉलिटिकल इशू मेन स्ट्रीम होके निकल के आए हैं, मतलब 100% पॉलिटिकल स्ट्राइक था। कंटिन्यूअस जो स्ट्राइक हुआ इसमें अभी तक साइलेंस है पेंशन अपडेशन का कमिटी का इशू, मींस कंटिन्यूअस साइलेंस, मतलब जो रिटायरीज लोग बता रहे हैं कंटिन्यूअस साइलेंस ऑफ पेंशन अपडेशन कमिटी, अभी तक इसके बारे में कोई भी न्यूज नहीं है। रिटायरीज एसोसिएशन अभी तक कुछ भी बारे में इसके बारे में नहीं बता रहे हैं और रिटायरीज एसोसिएशन सबमिशन ऑफ सफिशियंट फंड टू मीट पेंशन अपडेशन, मतलब वर्किंग यूनियन और जितने आईपीए गवर्नमेंट बता रहे हैं सफिशियंट फंड नहीं है। स्ट्राइक में इसके बारे में एक भी चीज नहीं बताया गया है, लेकिन हमारे ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज एसोसिएशन बता रहे हैं हमारे पास सफिशियंट फंड है पेंशन अपडेशन को शुरू करने के लिए। ऑलवेज डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट 35/1 एंड 56 पेंशन रेगुलेशन का केस, नो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी क्वार्टर्स, शॉर्टेज ऑफ टाइम लीडिंग ऑफ लीगल सोल्यूशन अनदर ऑफ फिनेंस मिनिस्टर शिफ्ट एंड अनसर्टेनिटी नरेशन, उसके साथ साथ ऑल द अबव मेंशन सिचुएशन लीडिंग ऑफ इवेडिंग सोल्यूशन एंड आइदर फॉर प्री 2002 रिटायरीज और पेंशन अपडेशन, इट इज ऑल अथॉरिटीज टू फाइंड रेजोल्यूशन एंड सोल्यूशन बिफोर 20 अप्रैल 2022। मतलब जो रिटायरीज ये चीज लिखा है रिटायरीज एसोसिएशन का ग्रुप में, सिंपल जो स्ट्राइक था वो 100% पॉलिटिकल स्ट्राइक था, इसमें कोई भी लेना देना नहीं है रिटायरीज के साथ। और अभी तक वर्किंग यूनियन इसके बारे में चुप है, गवर्नमेंट बता रहे सफिशियंट फंड नहीं है। इसके बारे में दोस्तों आपका क्या राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक चीज़ भी बताइए, क्या ये स्ट्राइक एक पॉलिटिकल स्ट्राइक था और इस स्ट्राइक से क्या वर्किंग एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, बैंकिंग का जो कस्टमर है उसके साथ साथ रिटायरीज का कोई भी फायदा हुआ? ना ही फायदा हुआ ओनली पॉलिटिशियन को, जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, जुड़े रहिए नॉलेज आईक्यू टीवी के साथ। थैंक यू।